नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माउंटेन ड्यू केबीसी कॉन्टेस्ट के बारे में, किस प्रकार से आप इसमें दोबारा जो आपका इसके अंदर यूनिक कोड होता है वो दोबारा आपको एंटर करना है, किस प्रकार से सब कुछ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपने कर लिया है तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम भी नहीं किया, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसमें आपको डिटेल्स डालनी पड़ेगी। तो किस प्रकार से क्या करना, फुल डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको एंड स्क्रीन पर लास्ट में मिल जाएगा देखने को। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें पहले, उसके बाद में इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो पहले जाइए उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद में इस वीडियो को देखना। उस वीडियो में मैंने फुल आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करते जाना है। तो अगर आप स्किप करेंगे तो आप फिर कुछ ना कुछ उसमें मिस कर देंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको उस वीडियो को पूरा वॉच करना है, अच्छी तरह देखना है, अच्छी तरह समझना है, उसके बाद में आप जब कर लेंगे तब यहाँ पर आना, इस वीडियो को देखना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप दोबारा से किस प्रकार से जो यूनिक कोड होता है उसको डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, और किस प्रकार से क्या करना है, सब कुछ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर कुछ आपके सवाल हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ गाइस, तो एक भाई ने मुझसे पूछा था कि जो ये माउंटेन ड्यू की जो कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल है, ठीक है, तो इस पे क्या है कि मैनुफैक्चरिंग डेट है वो कब की है। तो गाइस देखिए, जो पहले थी मेरे पास उसमें 6/8/2024 की थी, ठीक है, जो आज है मेरे पास ये है 1/8/2024 की, ठीक है, और एक और थी 8/8/2024। तो ये देख लेना, आपको अपने हिसाब से मिल जाएगा। तो गाइस एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि अभी जो ये केबीसी वाली जो माउंटेन ड्यू आ रही है ये हर जगह नहीं मिल रही है, ठीक है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है फिलहाल के टाइम में। तो आपको देखिए, मैं पहले ही बता दिया, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो आपके नियर बाय शॉप है ना, पहले तो वहाँ पर जाना है, ठीक है, और इस प्रकार की आपको माउंटेन ड्यू लेनी है जिसमें केबीसी वाला ये होगा, ठीक है, लोगो होगा और ये पीछे लिखा होगा माउंटेन ड्यू उठाओ, हॉट सीट जाने का मौका पाओ, ये वाला स्कैनर देख लेना आप, ठीक है। तो ये सब कुछ उसमें होना चाहिए। अगर आपको आपके गांव में नहीं मिलती है या आपके नियर बाय में नहीं मिलती है तो आप बाज़ार में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो जो पेप्सी की जो एजेंसी होती है ना, वहाँ पर आप जाइए, तो क्योंकि वहाँ पर माल तो आता रहता है नया नया, तो उनके पास जाइए, तो वहाँ पर से अगर आपके कोई जानकारी है तो आपको मिल सकती है। तो वहाँ पर तो क्या है, एक पेटी लेनी पड़ती है, अगर आपके कोई जानकारी है तो दे सकता है, तो आपको फ्री में भी दे देगा। आप एक शायद पता कर लेना, कोई दे दे तो उसे शायद हो सकता है मिल भी जाए, चेक कर लेना, मैं नहीं कह सकता इस बारे में। गाइज मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो जैसे दे सकते हैं यहां पर माउंटेन ड्यू केबीसी वाली आ चुकी है आपके आंखों के सामने, यहां पर सब कुछ दे सकते हैं। बात करें एक लीटर वाली की, क्या एक लीटर वाली अभी फिलहाल जैसे दे सकते नहीं आई है, ठीक है, लेकिन ये एक लीटर में भी अवेलेबल है, मैंने देखी है, ठीक है, तो आती है, फिलहाल यहाँ पर नहीं है ये। एक बड़ा सवाल और है कि भाई इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे कितने लोगों को विनर बनाएंगे ये केबीसी में जाने के लिए। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, 915 यहाँ पर ये विनर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये लक बाय चांस कुछ भी कह सकते हैं। तो गाइस 10 लोग ऐसे होंगे फास्ट एट फिंगर्स फर्स्ट प्रतियोगी होंगे जो कि, ठीक है। तो गाइस इसकी जो मैंने आपको पहले भी बता दी, फिर से मैं बता रहा हूँ, जो ये कब से ये जो ऑफर है चालू है कब ख़त्म होगा, ठीक है। हालांकि मैंने इससे दो पहले वीडियो बनाई, उन्होंने मैंने आपको बता दिया, फिर से मैं बता रहा हूँ अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल पर, ठीक है। तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स में वीडियो मिलेगी, और आपको पिछली वाली वीडियो देख लेनी और इसको भी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस मैंने आपको पहले बता दी, फिर मैं बता रहा हूँ, 1 अगस्त 2024 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक ये ऑफर चलने वाला है, ठीक है, 2 महीने का टाइम है, 2 महीने में आप आसानी से जितना हो सकता है आप कर सकते हैं। तो गाइस एक बड़ा सवाल ये भी है कि भाई इसको कितनी बार कर सकते हैं, दिन में कितनी बार लाभ उठा सकता है, या हम इसका कितनी बार यूज कर सकते हैं, जो कोड होते हैं भाई, ठीक है। तो भाई बता दूँ, रोज़ाना आप एक कोड इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम तो मैंने बता दिया था किस प्रकार से आपको डालना है उसमें, ठीक है, और दोबारा आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप उसमें डालेंगे कोड, ठीक है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आप कितने इसमें कोड डाल सकते हैं, एक बड़ा सवाल ये भी है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जितने 30 सितंबर तक जितना भी कोड है ना आपके पास डाल सकते हैं, मतलब कि दिन का एक होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आज है 19 अगस्त 2024, तो अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा है, ठीक है, तो आप रोज़ाना एक एक डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो गाइस मैं आपको जैसे जैसे बताऊं स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। भाई चलिए चलते हैं बिना समय गवाए मोबाइल स्क्रीन पर। तो गाइस यहाँ पर मैं व्हाट्सअप डायरेक्ट ओपन करूँगा, चाहे तो आप अगर आपके पास क्यूआर कोड है ना, तो आप फ़ोनपे के थ्रू स्कैन कर सकते हैं, पेटीएम के थ्रू भी स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ व्हाट्सअप में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मैं टाइप करके करूँगा। तो गाइस यहाँ पर अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो आपको देख लेना है किस प्रकार से यहाँ पर किया गया है, मैंने सब कुछ समझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है, बड़े अक्षरों में लिखना है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मैं लिखूँगा वो आपको यहाँ पर लिखना है,
ठीक है, तो केबीसी लिख दिया है मैंने, उसके बाद में स्पेस देना है और प्रोमो लिख देना है, जैसा कि देख सकते हैं पी बड़ा होना चाहिए और बाकी के कैपिटल होने चाहिए, सॉरी स्मॉल लेटर होने चाहिए, ठीक है, पी कैपिटल होना चाहिए और बाकी के स्मॉल लेटर होने चाहिए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने इसको सेंड कर दिया, उसके बाद भाई ये हमसे कोड मांग रहा है, ठीक है, तो कोड हमने पहले ही कॉपी करके रख रखा है, तो जैसे कि देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो यहाँ पर ये मैंने पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसको मैं सेंड कर देता हूँ, तो गाइस सेंड कर दिया है जैसे कि देख सकते हैं, तो क्या है ये तो इनकरेक्ट दिखा रहा है। चलिए तो गाइस देखते हैं दोबारा से ट्राई करते हैं, तो क्या हमने सही डाला या कोई गलती हो गई हमसे कोड में, या कोड तो जैसा कि मैंने देखा लगभग सही था, फिर भी हम इसमें कुछ ट्राई करके देखते हैं भाई, हो सकता है हमसे गलती होगी हो। तो गाइस ये जैसा देख सकते हैं बार बार इनकरेक्ट दिखा रहा है, तो ये इनकरेक्ट क्यों दिखा रहा है इसके मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अब ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसमें मैं सब कुछ बताऊंगा, तो आपको उस वीडियो को देखना है, ठीक है। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं कोड तो लगभग सही सा है, लेकिन गलत दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है मैंने बता दिया, जैसा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, और ये जो इनकरेक्ट दिखा रहा है ना, यही कोड मैं आपको इसमें डाल कर दिखाऊंगा, और ये मैं सेंड भी करके दिखाऊंगा, तो किस प्रकार से मैं करूंगा सब कुछ देख लेना। तो गाइस अगर आपको इनकरेक्ट दिखा रहा है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए, उसमें आपको इसका सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए गाइस, जैसा कि तो ये कोड मैंने डाल दिया था, इसमें डालने के बाद में गाइस यहाँ पर ये क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया गया है, तो ये कोड है आप देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन का अगर हमें आंसर नहीं पता है तो क्या करना, कुछ नहीं करना है आपको, जैसे जैसे मैं बताऊँ वैसे वैसे करना, आज इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है थोड़ा सा, ठीक है, जो क्वेश्चन है ना हमारा इस पर, उसके बाद में इसको कॉपी कर लेना, वैसे छोटा सा काम यहाँ पर करना है, तो फटाफट मैं इसको लॉन्ग प्रेस कर लेता हूँ और ऊपर कॉपी का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद में गाइस क्या करना है, गूगल में आना है, गूगल में आने के बाद में यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है और नीचे से आपको कुछ ये थोड़ा सा काट देना है, जैसे देख सकते हैं मैं काट रहा हूँ, डी तक रखना है बस, और बाकी का नीचे से काट देना है, ठीक है, ये काट दिया है और यहाँ से मैं इसको सेंड कर देता हूँ, तो ये सर्च हो गया है गाइस। तो इसमें क्या है, एलिफेंट दिखा दिया हमको यहाँ पर, जैसे देख सकते हैं जो इसका आंसर है एलिफेंट होगा, तो वहाँ पर देखते हुए कौन से नंबर पर दिया गया, ए बी सी डी ए कौन से नंबर पर है, तो व्हाट्सएप में जाकर वापस देखना पड़ेगा हमको, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख लीजिए, तो ये जो है ये सी ने है, सी पर है एलिफेंट, ठीक है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन सी पर, क्लिक करता हूँ और सेंड कर देता हूँ। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर सेंड हो चुका है हमारा आंसर, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर नीचे दिया गया है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर आप 30 सितंबर तक इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने सब कुछ बता दिया है आपको, आगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप गाइस जो कुछ मैंने आपको बताना चाहा अच्छी तरह से समझ गए, तो बस गाइस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी इस कॉन्टेस्ट में भाग ले सकें, ठीक है। हालांकि मैंने आपको पहले भी इस पर काफ़ी वीडियो बनाई है, और गाइस एक बात और बता दूँ, अगर आपका यूनिक कोड है ना वो आपको इनवैलिड बता रहा है ना, तो किस प्रकार से उसका भी सोल्यूशन मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा, ठीक है, बताऊँगा, तो उसको भी आपको देखना है, ठीक है। तो इसके लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पर हर जगह मुझको फॉलो कर सकते हैं आप, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, ठीक है, जो भी आगे अपडेट आएगी उनमें आपको मिल जाएगी। तो अभी के अभी गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। जय हिंद, वंदे मातरम।